वेलकम टू फैक्ट वर्ल्ड। दोस्तों, दीपक हुड्डा इंडिया टीम के एक ऑलराउंडर प्लेयर हैं। ये राइट हैंडेड बैट्समैन और राइट आर्म ब्रेक बॉलर हैं। दीपक हुड्डा अपने विस्फोटक बल्लेबाजी और सटीक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। आईपीएल 2015 में राजस्थान रॉयल्स टीम से खेलते हुए इन्होंने महज 22 गेंदों में 68 बनाए थे। इसलिए आईपीएल 2022 में लखनऊ की टीम ने इन्हें 5.75 करोड़ रुपया देकर अपनी टीम में शामिल किया था और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन भी किया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑलराउंडर दीपक हुड्डा के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल के बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दीपक हुड्डा के पर्सनल डिटेल्स के बारे में। तो आपको बता दें कि इनका जन्म 19 अप्रैल 1995 को हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ था और 2022 के अनुसार यह फिलहाल 27 वर्ष के हैं। दीपक हुड्डा के पिता का नाम जगबीर हुड्डा है, जो कि इंडियन एयरफोर्स में एक ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि इनके पिता जिला स्तर पर कबड्डी प्लेयर भी रह चुके हैं। दीपक हुड्डा के भाई का नाम आशीष हुड्डा है, जो इनके साथ ही क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन इनके कंधे में चोट लगने के कारण इन्होंने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया। दीपक के पिता और इनके भाई ने इन्हें क्रिकेट सीखने के लिए यूथ फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब भेजा था, जहाँ पर इन्होंने क्रिकेट की ट्रेनिंग ली थी। दोस्तों, यदि बात करें दीपक हुड्डा के क्रिकेटिंग कैरियर के बारे में, तो आपको बता दें कि दीपक हुड्डा को क्रिकेट में रुचि बचपन से ही था। वह स्कूल के समय से ही क्रिकेट खेलना पसंद करते थे। इन्होंने महज 11 वर्ष की उम्र में अपने पिता से कहा था कि मुझे क्रिकेटर बनना है। तब इनके पिता ने इन्हें कहा था कि किसी भी खेल में बड़े लेवल पर कैरियर बनाना इतना आसान नहीं होता, तुम अपना कैरियर किसी अन्य सेक्टर में बना सकते हो, तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा वक्त भी है। और अपने पिता की यह बात सुनकर यह काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हुए थे, लेकिन कुछ समय बाद फिर से इन्होंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया और अपने क्रिकेटर बनने के सपने को बरकरार रखा। दोस्तों, आपको बता दें कि दीपक हुड्डा गेंदबाजी भी करते थे, लेकिन इन्हें कोच ने सुझाव दिया कि यह अपने बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग पर ज़्यादा ध्यान दे। मगर दीपक हुड्डा बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग के अलावा बॉलिंग भी करते रहे और एक दिन इन्होंने अपने कोच को एक स्पिन गेंद फेंक कर दिखाई, जिसके बाद इनके कोच इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गए। उसके बाद दीपक हुड्डा स्कूल इंडिया फेडरेशन में 2009 में मात्र 14 साल की उम्र में केंद्रीय विद्यालय की ओर से अंडर 17 लेवल पर मैच खेलना स्टार्ट किए। इन्होंने बड़ौदा क्रिकेट टीम की ओर से अंडर 17 और अंडर 19 में अपने शानदार प्रदर्शन को दिखाया। इसी शानदार प्रदर्शन के चलते इन्हें भारतीय अंडर 19 टीम में भी शामिल किया गया था। उसके बाद दीपक हुड्डा को जनवरी 2014 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम में शामिल किया गया। अंडर 19 वर्ल्ड कप के दौरान इंडियन टीम सभी मैच जीत गई, मगर क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड से यह हार गई। दोस्तों, आपको बता दें कि उसके बाद दीपक हुड्डा ने 19 मार्च 2013 को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपना T20 डेब्यू किया और इन्होंने फर्स्ट क्लास में बड़ौदा क्रिकेट टीम के लिए खेलते हुए 12 शतक भी बनाया है। इनके लगातार शानदार प्रदर्शन को देखते हुए आईपीएल 2015 में राजस्थान की टीम ने इन्हें अपने टीम में खेलने का मौका दिया और इन्होंने अपने पहले ही मैच में पंजाब के खिलाफ 15 गेंदों में 30 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। उसके बाद यह आईपीएल में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे, जिसके चलते आईपीएल 2022 की नीलामी में इन्हें लखनऊ की टीम ने 5.75 करोड़ रुपये देकर अपनी टीम में शामिल किया और उसके मुताबिक इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन भी किया था। और दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार अच्छा प्रदर्शन के चलते इन्हें इंडियन टीम में भी सेलेक्ट कर लिया गया। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वनडे डेब्यू 6 फरवरी 2022 को वेस्टइंडीज के खिलाफ किया। दोस्तों, अब बात करते हैं दीपक हुड्डा के मैरिटल स्टेटस के बारे में। तो आपको बता दें कि यह फिलहाल अनमैरिड हैं। वहीं बात करें इनकी गर्लफ्रेंड के बारे में, तो इनकी गर्लफ्रेंड का नाम स्नेहा है। और यदि बात करें दीपक हुड्डा के नेटवर्थ के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि इनका नेटवर्थ है करीब 43 करोड़ रुपये। और यदि बात करें दीपक हुड्डा के कार्स कलेक्शन के बारे में, तो इनके पास एक सेब्रोलेट क्रूज कार है। तो दोस्तों, यह थी दीपक हुड्डा के बारे में इनकी शॉर्ट लाइफ स्टोरी वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।